गोविंदपुरी दिल्ली, किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। साउथ दिल्ली के गोविंदपुरी के ट्रांसिट कैंप इलाके के बीचों बीच बने मकान में खाना बनाने के दौरान लीक हुई गैस। आग लगने के बाद सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। बाल बाल बची माँ और 5 बच्चियों की जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आपको बता दें कि ये आग गैस लीक होने के कारण लगी थी, जिसकी पुष्टि उसी परिवार ने की है, और उस आग की चपेट में 5 बच्चियां भी फंस गई। क्या हुआ था यहाँ पे? आपने बच्चों की जान बचाई है और परिवार की जान बचाई, क्या हुआ था, कैसे जान बचाई है? ये लोग चाय बना रहे थे तो इन्होंने रेगुलेटर लगा के चाय गैस चालू कर रहे थे, उतने में गैस चालू करी और सिलेंडर में एकदम से पकड़ लिया रेगुलेटर में। हाँ। तो इन्होंने बुझाने की कोशिश करी, तो मतलब फिर बीच में जो लोग थे उन्होंने मेरे को जगाया, मैं आया ऊपर, तब मैंने देखा तो बेड में मतलब आग पकड़ चुकी थी। मैंने बुझाने की कोशिश करी, बहुत बुझी नहीं आग। तो मैंने बच्चों को सब, एक बच्चा तो फंस गया था पलंग पे, तो मैंने उसे निकलवाया जल्दी से, उसे निकाल के 5 भाई सबको बाहर भेजा, मैंने सबके सब बाहर जाओ, अब ये आग काबू पकड़ रही है। इस चक्कर में फिर मैं थोड़ा बहुत बुझाने की कोशिश करी, तब भी तो बुझी नहीं, बस इतने में थोड़े फिर सबको बाहर निकाल के उतने सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। चीज़ वगैरह थी इनके, है आधार कार्ड कागज वगैरह सब चीज़ जल गया, कपड़े वगैरह कुछ नहीं रहा इनके पास। अब यही एक तरह से सड़क पर आ चुके हैं अभी। कितने कितने साल के बच्चे थे? बच्चे 1-10 साल के हैं, 8 साल का एक लड़की है, और 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की लड़की है इनके पास। इसी दौरान लोगों ने शोर मचा दिया। वही पीड़ित महिला के देवर ने आग देख कर घर में घुस कर 4 साल की परी, 6 साल की गौरी, 7 साल की नंदनी, 10 साल की सुमन, 12 साल की नेहा और उसकी माँ को सिलेंडर ब्लास्ट से पहले ही आग से बचाकर बाहर निकाल लिया, जिससे उन सभी की जान बाल बाल बच गई। बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मकान की छत के परखच्चे उड़ गए और लाखों का सामान और घर पर रखे गहने और हजारों का कैश जल कर खाक हो गया। रजनी जी, क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी? मैं सिलेंडर में आग लग गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मतलब हमारे देवर आ गए, उनने सबने निकाला, मैंने मतलब पैरदान डाला उसमें गीला करके सिलेंडर पे, बच्चों को निकाला बाहर, सब पड़ोसी आ गए, मतलब इतने सारा सामान सारा जल चुका था, सिलेंडर फिर फट गया एकदम से। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।